अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपके लिए चिकन के शामी कबाब बनाना बताऊंगी आप सबको। इसके लिए मैंने तकरीबन 3 पाव चिकन ले लिए, जिसको जो है इसके छोटे छोटे पीस कर लिए मैंने। और ये तकरीबन आधा पाव दाल है, इसको मैंने पहले से भिगो दिया था, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के, ये बच्चों के फेवरेट हैं, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बस कम मसालों से हम ये तैयार करेंगे। ये देखें, एक मैंने प्याज डाल दी है काट के मोटी मोटी, 2-3 इंच के टुकड़े अदरक के, 6 से 8 लहसुन, लाल साबुत मिर्चें, नमक जाएगा इसमें, और 1 टीस्पून गरम मसाला भर के। बस ये चीज़ें शामिल करके पानी डाल के मैं इसको फ्लेम ऑन करके रख रही हूँ, उसके बाद बताऊँगी आगे क्या करना। बिल्कुल ये शामी कबाब जो हम बीफ के बनाते हैं उसी स्टाइल से ये चिकन के कबाब भी बनेंगे, जो कि बहुत ही मज़े के होते हैं। बस इतना मैंने पानी डाल दिया कि सब चीज़ें इसमें डूब चुकी हैं। बस अब मैं इसको रख रही हूँ फ्लेम ऑन करके। तो ये देखिए, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद जो है ये बिल्कुल हमारी मिक्स हो गई है, दाल और चिकन गल चुकी है, और ये इसको हाथ से ही मैश करने में ये हमारे कबाब तैयार हो जाएंगे। तो बस इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, इसको अच्छी तरह मैश कर रही हूँ और इसमें हरा मसाला मिलाऊँगी, और इसके बाद आपको बताऊँगी कि किस तरह ये शामी कबाब रेडी होते हैं चिकन के। देखिए, पीसने के बाद ये सब मिक्स हो गया है। अब इसमें हम प्याज शामिल कर रहे हैं चॉप हुई हुई, हरा धनिया और हरी मिर्चें। बस अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसकी कबाब से बना लूँगी और फ्राई करके आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया है, इसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके सब डाल दिया है। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी थी। अब इसमें 1 एग बीट करके डाल रही हूँ, अच्छी तरह फैला दूंगी और इसको मिक्स करके अच्छी तरह इसके कबाब से बना रही हूँ, और इसके बाद फ्राई करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने पैटी बना ली है, और इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों के लंच में दे सकते हैं, और इससे जो है ये बहुत ही फायदेमंद भी है चिकन के कबाब, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको फ्राई करके इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने दिए ऑयल डालकर मैं इसको पैटी को, एक एक पैटी को तल के आपको इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। पैन में ऑयल डाल दिए, और अब इसको कबाब को मैं फ्राई करने लगी हूँ। जैसे ही ये कबाब फ्राई होंगे मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। एक साइड हो गई है, फिर मैंने इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी फ्राई कर रही हूँ। बस अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, माशाल्लाह से बहुत मज़े के हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।